नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं सौरभ पूरंजा ज्योतिष से आप सभी के सामने। पिछले वीडियो में हमने अनंत कालसर्प योग के बारे में विस्तार से जाना था। आज इस वीडियो में हम जानेंगे दूसरे किस्म के कालसर्प योग के रोंगटे खड़े करने वाले सारे विषय विस्तार से। इस दूसरे किस्म के जो कालसर्प योग है उसको कुलिक कालसर्प योग कहा जाता है। अब प्रश्न यही है कि कुलिक कालसर्प योग का एक जन्म कुंडली में कैसे दिखा जाता है और कुलिक कालसर्प योग एक जन्म कुंडली में कैसे बनते हैं। जब लग्न के दूसरे घर में एंटी क्लॉकवाइज राहु का अवस्थान रहता है और लग्न के आठवें घर में केतु का अवस्थान रहता है और बाकी सारा ग्रह उपग्रह नक्षत्र क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज राहु और केतु के जो एक्सिस है उनके अंदर आ जाता है, तब उसको भारतीय ज्योतिष में कुलिक कालसर्प योग माना जाता है। इस योग का जो फल है और बहुत बुरा माना जाता है और प्रैक्टिकली भी ये दिखा गया है, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपके खुद की जन्म कुंडली में ये योग है या किसी भी अपने की कुंडली में ये योग आपको दिखाई पड़ता है तब इस योग के बारे में विस्तार से जान के आप खुद के और अपने अपनों के लिए सुरक्षा ले सकते हैं और खुद को और अपनों को इस योग से बचा सकते हैं। जब एक जातक कुलिक कालसर्प योग लेके जन्म लेता है तभी से वो दुर्भाग्य को अपना लेते हैं। उस जातक के नसीब में माता पिता का कोई भी धन संपत्ति या प्यार नहीं मिलता। अक्सर दिखा गया है ऐसे जातक का बहुत छोटे उम्र में ही उसके माता पिता का देहांत हो जाता है। अगर ऐसे नहीं भी हुआ तो उसका माता पिता जीवित रह के भी इस जातक के परवरिश में कोई भी सहायता नहीं कर पाता। जातक के किसी भी उन्नति के लिए वो घर या परिवार से कोई भी सहायता प्राप्त नहीं करता है, इसीलिए वो जिंदगी में बहुत सारा नाकामयाबी प्राप्त करता है। ऐसे जातक पढ़ाई में बहुत टैलेंटेड होता है लेकिन फैमिली सपोर्ट ना पाने के वजह से वो हर वक्त नाकाम होते ही जाते हैं। छोटे उम्र से ही परिवार के लिए ऐसे जातक को उधारी के दलदल में गिरना पड़ता है ना चाहके भी। इन लोगों का विवाहित जीवन भी बहुत बुरा होता है क्योंकि इन लोगों का जीवन संगी और संगिनी कभी भी इन लोगों के साथ अच्छाई से पेश नहीं आता है। ऐसी जातक के जीवन संगी और संगिनी अक्सर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जुड़ जाता है और कोशिश करता है ऐसे जातक को जान से मार देने के लिए। ऐसी जातक इनके जीवन संगी और संगिनी के द्वारा समाज में हर वक्त हर परिस्थिति में अपमानित होते हैं। इन लोगों का संतान भाग्य भी खराब होते हैं। पहले तो इन लोगों का संतान होते नहीं है,
अगर हो भी गया तो इन लोगों का संतान ही इन लोगों का सबसे बड़ा शत्रु होते हैं। शारीरिक दिख से इन लोगों का गला, सीना और लंग्स प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होते हैं। इन लोगों का घर में शांति ना रहने के वजह से इन लोग बाहरी दुनिया से शांति को तलाश करते हैं और इसलिए ये लोग बाहर की दुनिया में भी बहुत अपमानित होते हैं। इन लोगों को कभी भी कोई सच्चा दोस्त नहीं मिलता। हर एक दोस्त इन लोगों को यूज और मिसयूज करते हैं और बाद में इन्हीं लोगों के पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं इनके ही विनाश के लिए। इसीलिए ऐसे जातक जिंदगी के हर एक पल पे बहुत सारा प्रॉब्लम में पड़ जाता है। जिन लोगों का ये कुलिक कालक्षेप योग के लिए परेशानी होता है उनको कहा जाता है कि वो ध्यान या मेडिटेशन के अभ्यास करें और खुद की जिंदगी में नेगेटिविटी को दूर हटाए और घर में कालसर्प यंत्र स्थापन करके उसके सामने मिट्टी का दिया मस्टर्ड ऑयल से जल के 43 दिन यानी के 43 डेज रख दे। वो दिया 43 दिन तक बुझना नहीं चाहिए कभी भी। इससे जातक का चंद्र दोष मिट जाता है। विवाहित जीवन का जो खराबी है वो घट जाता है। इसीलिए जातक डाइवोर्स से बच जाता है। और मैं सजेस्ट करूंगा जातक कोई भी स्पेशलिस्ट एस्ट्रोलॉजर के साथ कंसल्ट करके इस भयानक कुलिक कालक्षेप योग का जड़ से विनाश करें, क्योंकि भारतीय ज्योतिष कोई कुसंस्कार या अंधविश्वास नहीं है। ये एक विज्ञान है और वेद का एक अंग है। इसलिए मैं सौरभ आप लोगों को विनती करता हूं कि आप लोग भारतीय ज्योतिष को ठीक तरह से जान के वो खुद की जिंदगी में प्रयोग करके खुद की जिंदगी को ऊंचाई की शिखर में ले जाए। आने वाला वीडियो में हम बाकी 10 किस्म के वयाना कालसर्प योग के बारे में विस्तार से जानेंगे और ये भी जानेंगे कैसे ये सब वयाना कालसर्प योग से खुद को बचाया जा सकता है। हमारा ये प्रयास और ये वीडियो अगर आप पसंद करते हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तब इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हमारे इस चैनल का कोई भी अपडेट आप मिस ना करें और भारतीय ज्योतिष को सही तरह से जान के आप खुद को सुरक्षा दे सके। भारतीय ज्योतिष को लेके कोई भी सवाल आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप स्क्रीन के नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ज्यादा जानने के लिए आप www.puranjay.co.in पे लॉग इन करें। धन्यवाद।